मी व्यवस्थित दिसते? हां एकदम व्यवस्थित दिसते. हां सगळं नाईस. तुम्ही खूप छान दिसते. धन्यवाद दादा. पापाराजी से मराठी में बात करने का अपना ही मजा है. बेबी का जी, एल्विश यादव और मनीषा रानी का आपने कंट्रोल से थोड़ा सुना होगा. हाँ. जो अनफॉलो किया था मनीषा रानी ने और एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं उनके फैंस, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि अगर कोई दोस्ती और रिश्ता इतना गहरा और रियल होता है ना, तो ऐसी छोटी मोटी फ्रिविलेज बातों पे वो टूटता नहीं या बिगड़ता नहीं. लेकिन अगर इतनी छोटी मोटी बातों पे वो लोग बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो रिश्ते रियल होंगे. तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट. पर बीच में एल्विश यादव को जेल भी हो गई थी, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? उनके माँ बाप भी बहुत थोड़े बहुत अपसेट थे, मुझसे देखा नहीं गया. एंड द मोमेंट आई सॉ देम क्राइंग, इमीडिएटली मैंने उनके पेरेंट्स को रीच आउट करने की कोशिश की. एंड आई जस्ट बिलीव कि अभी ऐसा वक्त उसकी लाइफ में ना आए एंड थिंग्स गेट बेटर इन हिज लाइफ, और ऐसा फेस किसी की भी लाइफ में ना आए. एंड वो अपनी लाइफ के पीक टाइम पे है अभी, तो होता है ना, नज़र लग जाती है इंसान को. तो थोड़ा नज़र से बचो एल्विश, और खुद पर ध्यान दो, और पूरी संगत से भी बचो. पर मनीषा रानी भी झलक दिखलाई था, जीत गई, क्या कहना चाहोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डांसर, उसको डांसिंग का बड़ा शौक था. तो जो चीज़ का उसको शौक है, उसमें अगर कुछ अच्छा हो जाए तो गॉड ब्लेस, कॉन्ग्रेचुलेशन. आई लव टू सी किसी के सपने पूरे होते हुए देखने की खुशी होती है. और मुनावर भाई का अभी कुछ रिसेंटली भी शूट सॉन्ग शूट हुआ है, तो अभी आ रहा है, तो उतने कितने एक्साइटेड कितने हो? मैंने नहीं देखा. ठीक है, मतलब आने वाला है. ओके, थैंक यू.